नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप अग्निश 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है जदयू कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पे जो है बिहार सरकार में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने जब आज प्रेस को संबोधित किया, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जिस तरीके से कल कैबिनेट में परिवहन विभाग को लेकर कुछ अहम बातें पारित हुई है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन, जो कि कोई व्यक्ति अगर कार लेना चाहता हो या गाड़ी लेना चाहता हो, उनमें जो है रजिस्ट्रेशन फीस जो है काफ़ी अधिक होता था, लेकिन अब जो है कुछ नियमें बदली गई हैं और ऐसे में शीला मंडल परिवहन विभाग के जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग भी कई बार सवाल करते थे कि मैडम रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा है, इससे कई लोगों को, आम लोगों को दिक्कत होता है। लोग तो इसको ध्यान में रख करके, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसको कम होना चाहिए, जिससे आम लोग जो बाहर चले जाते थे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो नहीं जाए, तो इसके लिए हम लोग ध्यान में रख करके इसको कम कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गया, मुख्यमंत्री जी ने इसको कम किए, और आज देख लीजिए जो आपका मोटर कैब था उसका 23,650 लगता था रजिस्ट्रेशन फीस पूर्व में, लेकिन अब आपको 4,150 ही लगेगा। मिनी बस का 23,650 लगता था, उसका 7,150 लगेगा। तो ये सब बहुत बड़ा ऑटो रिक्शा था जो 5,650 लगता था, जिसका 1,150 लगेगा। तो आम जनों को ध्यान में रख करके हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अति पिछड़ों को, गरीब लोगों को ध्यान में रख करके काम करते हैं, और हमारा परिवहन विभाग जो है ये हमेशा निरंतर आम जनता के लिए सोचता है और आम जनता के लिए काम करता है। तो इससे जो रजिस्ट्रेशन कम हुआ है, अब हमको विश्वास है कि हमारे यहाँ गाड़ियाँ की संख्या भी बढ़ेगी और लोग इसमें आत्मनिर्भर भी होंगे। जब आप देखिए किसानों को भी लाभ होगा, इससे व्यावसायिक वर्ग को भी लाभ होगा, जो लोग आप गाड़ी चलाते हैं व्यापारी वर्ग को भी सुविधा होगा, जो लोग को लगता था ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस वो नहीं लगेगा, तो नहीं इससे टैक्स नहीं घटेगा, ये आपको बता दें, इससे अधिक से अधिक राजस्व की भी प्राप्ति होगी और हमारा, हमको विश्वास है कि हमारा राजस्व बढ़ेगा। और आप लोग भी देखिएगा आने वाले दिनों में आप लोग का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा, और इस पर जो हम लोग काम किए हैं, हमारे नेता ने जो काम किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार की, जो हमारे आप सब लोग यही रजिस्ट्रेशन करें। नहीं नहीं कम का बात नहीं है, देखिए पहले लोगों को थोड़ा 19-20, आप जानते हैं आप छोटा सा सब्जी खरीदने जाते हैं, आप 2-3 लोगों को कहते हैं कि कैसे दे रहे हो, अगर 1-50 पैसा कम रहता है तो आप तुरंत घर चले जाते हैं, यही मानसिकता होता है मनुष्य का। इसीलिए हम लोग, आप जो सवाल कर रहे हैं कि दूसरे राय, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ इसको बढ़ावा देने के लिए कि ताकि यही का रजिस्ट्रेशन, यही की गाड़ी यही रजिस्ट्रेशन हो, तो हमारा राजस्व ऑलरेडी बढ़ेगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी सृजन होगा, बहुत सारे लोग आत्मनिर्भर भी होंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर केस का तरफ फिर सवाल खड़े किए हैं, हाजीपुर में हत्या हो गई है और लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर केस का तरफ सवाल खड़े किए हैं। देखिए विपक्ष में है तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से बोलता है। आप जान लीजिए कि जब से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ बिहार में आए हैं, हम लोग भी पहले का बिहार देखे और आज का भी बिहार देख रहे हैं, सब लोग कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनको जरूर बैठ करके 2 मिनट चिंतन जरूर करना चाहिए। लेकिन लगातार हमलावर हो रहा है, कि सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है। देखिए करने के लिए कुछ भी कोई बोले, वो सब अपने तरीके से बोलता है। पूरे बिहार की जनता जान रही है कि हमारे लिए कौन उपयुक्त है कौन अनुपयुक्त है, उसको पता है। तो आपने शीला मंडल को सुना, उनका साफ तौर पर ये कहना था जो अभी रजिस्ट्रेशन होना था, पहले जो चार्ज लगता था उससे काफ़ी कम, जो कार का जो पहले 24,000 लगता था अब वो घटकर जो है 10,000 के करीब हो गई है, और ऐसे में बाइक जो लेना चाहते हैं उनमें जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता था वो भी अब घटकर कुछ न्यूनतम शुल्क हो गई है, जिसमें कि अब 3,000 उनको ही देना पड़ेगा। ऐसे में लोगों को जो मोटी रकम रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर देना पड़ता था, अब बिहार सरकार जो है एक नियम लाई है, जिसमें कि अब जो गाड़ी लेना चाहते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, उनको जो है अब मोटी रकम रजिस्ट्रेशन फीस में नहीं देना होगा। साथ ही साथ जो डीटीओ का वो चक्कर लगाते थे, अब वो डीटीओ का चक्कर भी लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब सारा चीज़ जो है डिजिटल होने वाला है। डिजिटल होने के साथ साथ वो चालान को जो है अपने रजिस्ट्रेशन फीस को जो है ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, और जो समय का इंतजार करना होता था वो भी अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब हैंड टू हैंड जो है अब सारा प्रक्रिया जो है पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कि परिवहन विभाग के द्वारा जो निर्णय ली गई है कैबिनेट में किस तरीके से वो महत्वपूर्ण होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोगी अंकित के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।